इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आज हम इंपेरियलिज्म और नियो इंपेरियलिज्म को समझेंगे। जो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज आती है, एक इंपेरियलिज्म और एक नियो इंपेरियलिज्म। हम इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को पूरे तरीके से समझेंगे, हम इसका मीनिंग देखेंगे, उसी के साथ साथ हम इनका नेचर देखेंगे और उसी के साथ साथ हम इनके इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है, पहला आ गया इंपेरियलिज्म और दूसरा आ गया नियो इंपेरियलिज्म। आइए समझते हैं इंपेरियलिज्म और नियो इंपेरियलिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम इंपेरियलिज्म की बात करेंगे, उसके बाद हम नियो इंपेरियलिज्म को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंपेरियलिज्म का मीनिंग, नेचर और इंस्ट्रूमेंट्स देख लेंगे और उसके बाद हम नियो इंपेरियलिज्म का मीनिंग, नेचर और इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। इसी तरीके से हम इस टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं इंपेरियलिज्म की बात कर रहा हूँ, इसका क्या मीनिंग है। इंपेरियलिज्म इज द पॉलिसी और आइडियोलॉजी वेयर अ नेशन एक्सटेंड्स इट्स कंट्रोल ओवर फॉरेन टेरिटरीज बाय एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज एंड इन्फ्लुएंसिंग वीकर नेशंस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली और मिलिटरली। तो इंपेरियलिज्म एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके थ्रू एक देश अपना कंट्रोल जमाता है दूसरे देश के ऊपर, जिसके थ्रू एक देश दूसरे देश को कैप्चर कर लेता है, उसको पॉलिटिकली या फिर मिलिट्री या फिर इकोनॉमिकली कंट्रोल कर लेता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बड़े बड़े देश जो सुपर पावर्स होती हैं, जो स्ट्रांग नेशंस होते हैं, जो पावरफुल नेशंस होते हैं, वो जो वीकर नेशंस हैं, जो कमज़ोर देश हैं, उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, पॉलिटिकली उनको कंट्रोल कर लेते हैं, इकोनॉमिकली उनको कंट्रोल कर लेते हैं, उनको अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं और उसके बाद उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वहां से रिसोर्सेज को लूटा जाता है। इसकी अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं तो जैसे इंडिया को ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था 19th सेंचुरी में या फिर 18th-19th सेंचुरी में। तो बेसिकली होता क्या है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो पावरफुल देश हैं, जो स्ट्रांग देश हैं, वो क्या करते हैं, जो कमजोर देश हैं, जो वीक देश हैं, जो वीकर नेशंस हैं, उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जैसे कि खास करके कॉलोनीज कहां पे बनाई गई थी, तो जो एशिया के देश हैं, जो अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, जो कमज़ोर देश हैं, गरीब देश हैं, उनको अपनी कॉलोनीज बनाया जाता था। जो बड़े बड़ी सुपर पावर्स हैं, जो फिर जो बड़े बड़े पावरफुल देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, राइट, इनके द्वारा। तो बेसिकली होता क्या है इंपेरियलिज्म के अंदर, एक देश दूसरे देश को कंट्रोल कर लेता है। कैसे कंट्रोल करता है, या तो वो उसको कॉलोनी बना देगा, या उसको वो पॉलिटिकली कंट्रोल करेगा, इकोनॉमिकली या उसको कंट्रोल कर लेगा, या फिर मिलिटरली उसको कंट्रोल कर लेगा। तो बेसिकली अपना दबदबा जमाना दूसरे देश के ऊपर और दूसरे देश को कैप्चर कर लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना और खुद वहां पर रूल करना जाके, उसको हम इंपेरियलिज्म कहते हैं। ये काफी कॉमन था कब, 19th और 20th सेंचुरी में, मतलब 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में ये काफी कॉमन था। उसी के साथ साथ इसके गोल्स क्या होते हैं, क्यों इंपेरियलिज्म को, इंपेरियलिज्म जैसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है, इंपेरियलिज्म के बेसिकली गोल्स क्या होते हैं। एक देश दूसरे देश को कैप्चर कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उससे उसको क्या फायदा। तो इसके अंदर अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स की बात करूं तो इसके अंदर आता है टू एक्सेस रिसोर्सेज। इसलिए आप गरीब देशों को कंट्रोल कर लेते हैं ताकि वहां से आप रिसोर्सेज को लूट सकें। जैसे इंडिया की आप एग्जांपल ले लो, इंडिया से ब्रिटिशर्स ने जितने रिसोर्सेज लूटे हैं, हमारा कोहिनूर वो लोग ले गए, हमारे जो रिच रिसोर्सेज थे यहां से उनको वो ले गए, यहां से वो एक्सपोर्ट करके अपने देश में ले गए, राइट। तो जिस तरीके से इंडिया को उन्होंने पूरे तरीके से लूटा है, जैसे कि अगर आप दादाभाई नौरोजी की बात करेंगे जो मॉडरेट थे, तो वो कहते हैं कि वो अपनी किताब लिखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसके अंदर वो बताते हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन ने इंडिया को लूटा है। जैसे कि दादाभाई नौरोजी जैसे लोग जो है वो एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना ब्रिटिशर्स ने हमसे लूटा है, तो काफी अमाउंट जो थी, काफी रिसोर्सेज हमसे ब्रिटिशर्स ने लूटे हैं। कहा जाता है कि ब्रिटेन अगर अपनी कंट्री का 5% बजट इंडिया के लिए साइड पे रख दे, इंडिया का कर्ज चुकाने के लिए, तो भी ब्रिटेन को 200 साल लग जाएंगे इंडिया का कर्ज चुकाने के लिए। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, एट द टाइम ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया, उस वक्त हमारा जो इंडिया था वो पूरी दुनिया की GDP के अंदर 23% कंट्रीब्यूट करता था। समझना इस बात को कि हमारा देश 23% पूरी वर्ल्ड की GDP के अंदर कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स लेफ्ट किए, जैसे ही ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान से बाहर गए, जहां से चले गए, तो उस वक्त इंडिया की इकॉनमी जो है, इंडिया की इकॉनमिक ग्रोथ जो है वो 1% से बढ़ रही थी और इंडिया की पॉपुलेशन 2.5% से बढ़ रही थी। तो इंडियन इकॉनमी वर्चुअली अ नॉन एग्जिस्टेंट इकॉनमी, मतलब इंडियन इकॉनमी एक नॉन एग्जिस्टेंट इकॉनमी बन गई थी। तो दिस इज हाउ द ब्रिटिशर्स हैज लूटेड इंडिया थ्रू इंपेरियलिज्म। At the time Britishers arrived in India, India was contributing 23% GDP to the world's GDP. And at the time Britishers left India, Indian economy was growing at the rate of 1% and Indian population was growing at the rate of 2.5%. Indian economy was completely collapsed and Indian economy was virtually a non-existent economy. So this is what I am explaining, that how with the help of imperialism, जो countries होती हैं वो बाकी देशों को लूटती हैं।
किस तरीके से जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं वो कलोनीज को पूरे तरीके से लूटती हैं, वहाँ से रिसोर्सेज को इकट्ठा करती हैं, रिसोर्सेज को लूटती हैं, उसी के साथ साथ अपने मार्केट्स को एक्सपेंड करती हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिंग द मार्केट? इट मींस जैसे कि इंडिया से ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटेन ले जाते थे, ब्रिटेन में उस जो उन्होंने रॉ मटेरियल जो कच्चा माल हिंदुस्तान से लिया है कम प्राइसेस के अंदर कम दाम के ऊपर, उसको वो ब्रिटेन में जाके उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते थे, प्रोसेसिंग करते थे वहाँ पे, और जो उनकी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होती थी वो दोबारा से इंडिया में बेचते थे आके। और इंडिया में जो वो प्रोडक्ट्स बेचते थे तो इंडिया के लोगों को मतलब कि डिपेंड कर दिया था उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ से सारा का सारा माल वो ले रहे हैं, वहाँ से अपनी चीज़ें बना रहे हैं वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और कई ज़्यादा मतलब 10 गुना ज़्यादा दाम पे वो हिंदुस्तानियों को बेच रहे हैं, और हिंदुस्तानियों के पास कोई चारा नहीं था, उनको तो वो प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ती। तो इस तरीके से अपना मार्केट बना लिया उन्होंने इंडिया को। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि नेशनल प्रेस्टीज के लिए भी इंपेरियलिज्म का यूज़ किया जाता है। नेशनल प्रेस्टीज का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ब्रिटेन ने कई सारे देशों को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, तो एक प्रेस्टीज को दिखाने के लिए कि हम इतने पावरफुल हैं, हमने इतने देशों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, इतनी कॉलोनीज बनाई हुई हैं, इसके लिए भी इंपेरियलिज्म को इस्तेमाल करता है। So this is how we cover the goals and objectives of imperialism. क्यों इंपेरियलिज्म को यूज़ किया जाता है, क्यों देशों को कंट्रोल किया जाता है, ताकि रिसोर्सेज को वहाँ से लूटा जाए, ताकि वहाँ पे मार्केट्स को एक्सपेंड किया जाए और नेशनल प्रेस्टीज को बढ़ाया जाए। ये एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, इंपेरियलिज्म एक ट्रेडिशनल तरह का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि पहले 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में क्या होता था, इंपेरियलिज्म का इस्तेमाल होता था, डायरेक्टली आप किसी देश को कंट्रोल कर रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल ऐसा क्यों नहीं होता है वो हम नियो इंपेरियलिज्म के अंदर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास इंपेरियलिज्म का एक अल्टरनेट आ गया है जिसको हम नियो इंपेरियलिज्म कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का नेचर क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आता है एक्सपेंशनिस्ट। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब ये हुआ कि आप एक्सपेंशन कर रहे हो, इट मीन्स सीकिंग कंट्रोल बियॉन्ड द नेशन्स बॉर्डर, मतलब कि आप अपने बॉर्डर से परे जो बाकी देश हैं उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कैसे होगी, इंडिया एक्सपेंशनिस्ट को कैसे अडॉप्ट करेगा, जब इंडिया पाकिस्तान को भी कैप्चर कर ले, चाइना को कैप्चर कर ले, भूटान को कैप्चर कर ले, है ना, जब फिर जाके ब्रिटेन में किसी देश को कैप्चर कर ले। सो दिस इज हाउ एक्सपेंशनिज्म जो है इसका एक नेचर होता है। उसी के साथ साथ हायरार्कीकल, हायरार्कीकल का मतलब हुआ एस्टैब्लिश क्लियर पावर हायरार्की वेयर इंपेरियलिस्ट नेशन डोमिनेट्स अदर, तो एक तरह की हायरार्की क्रिएट की जाती है। हायरार्की मतलब सबसे ऊपर जो है सुपर पावर है, और सुपर पावर जो है वो बाकी वीकर देशों को, कमजोर देशों को कंट्रोल करेगी, तो सुपर पावर अपना डोमिनेट रखेगी किसके ऊपर, जो कमजोर देश है, जो कॉलोनीज हैं। जो उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव, इट इज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। व्हेन वी टॉक अबाउट इंपेरियलिज्म वी सी दैट इंपेरियलिज्म इज कंप्लीटली एक्सप्लॉयटेटिव बाय नेचर। अब एक्सप्लॉयटेटिव होने का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कॉलोनीज की एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, वहाँ पे रिसोर्सेज को लूटा जाता है, है ना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, सारे के सारे रिसोर्सेज लूट लिए आपने उस देश के जो आपने कॉलोनी बनाई हुई है, जिसको आपने कब्जा किया हुआ है जिसके ऊपर। उसी के साथ साथ लेबर की वहाँ पे बुरी हालत है, आप वो जो उस देश की लेबर है उसको आप एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनसे आप 18-18 घंटे काम करवा रहे हो, वेजेस उनको बहुत कम दे रहे हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, हाइजीनिक फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, है ना, लेबर का बुरा हाल है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस देश के कल्चर को भी एक्सप्लॉयट किया जाता है, जैसे इंडिया के कल्चर को उन लोगों ने एक्सप्लॉयट कर दिया, हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे उन्होंने उनको मतलब कि ख़त्म कर दिया, उनको मैनिपुलेट कर दिया। उसी के साथ साथ जो इंडिया का रिच हेरिटेज था, कल्चर था, उसको पूरी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने, और अपने कल्चर को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की, क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे सेंड किया, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे हिंदुइज्म के ऊपर, इस्लाम के ऊपर वॉर करने की कोशिश की, क्रिश्चियन जो उनका रिलीजन था उसको बढ़ाने की कोशिश की। सो दिस इज हाउ वो कल्चर के थ्रू भी उनको एक्सप्लॉयट करते हैं कॉलोनीज को। उसी के साथ साथ फोर्थ इसका नेचर क्या है, जस्टिफाइड बाई आइडियोलॉजी। नाउ इंपेरियलिज्म को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कैसे करते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं वो अपना कंट्रोल। भाई साहब अगर आप किसी देश के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए ना, कि व्हाई यू आर कंट्रोलिंग, क्यों आप दूसरे देश को कंट्रोल कर रहे हो, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, पॉलिटिकली उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो ब्रिटिशर्स का ये कहना था, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहते थे ये वाइट मेंस वर्डन है। वाइट मेंस वर्डन का मतलब क्या हुआ कि ये गोरे लोगों का एक वर्डन है तुम लोगों के ऊपर। ये वो ब्रिटिशर्स कहते थे कि जो अफ्रीका के लोग हैं, खास करके जो काले लोग हैं, जो डार्क कलर के जो लोग हैं, जो अफ्रीका के लोग हैं, जो लैटिन अमेरिका के लोग हैं, जो एशिया के लोग हैं, ये लोग जो है ना पिछड़े हुए लोग हैं, ये सिविलाइज नहीं हैं। तो वाइट मैन्स बर्डन का मतलब हुआ कि
ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी एक मॉरल ड्यूटी है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडियंस को सिविलाइज करेंगे, कि वो अफ्रीकन्स को सिविलाइज करेंगे, उनको मॉडर्नाइज करेंगे, कि वो एशियंस को सिविलाइज करेंगे, उनको मॉडर्नाइज करेंगे। तो बेसिकली वो किसी से इसको जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं वाइट मैंस वर्डन, वो कहते हैं सिविलाइजिंग मिशन, वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स एक सिविलाइजेशन मिशन के ऊपर है, वो इंडियंस को सिविलाइज करना चाहते हैं क्योंकि इंडियंस जो है वो बारबेरियंस हैं, वो कहते हैं कि इंडियंस जो है वो पिछड़े हुए हैं, तो इंडियंस जो है कुछ जानते नहीं है, इग्नोरेंट लोग हैं ये, तो वो सिविलाइजेशन मिशन के ऊपर है ताकि वो इंडियंस को सिविलाइज कर पाए। तो दिस इज हाउ दे जस्टिफाई दी आइडियोलॉजी। उसी के साथ साथ कल्चरल सुपीरियरिटी के हिसाब से भी वो अपनी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा यूरोप का कल्चर है, जो अमेरिकन कल्चर है, जो ब्रिटेन का कल्चर है, वही सुपीरियर है, इंग्लिश कल्चर जो है वही सुपीरियर है, उनकी भाषा सबसे सुपीरियर है, उनका कल्चर सबसे सुपीरियर है, तो उनका कल्चर सुपीरियर है इसलिए हमारे कल्चर को वो इन्फीरियर समझते हैं, और उस तरीके से भी वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस के ऊपर, रेशियल डिफ्रेंसिएशन के बेसिस के ऊपर भी वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। रेशियल डिफ्रेंसिएशन का मतलब हो गया हम गोरे लोग हैं, काले लोग जो हैं वो इग्नोरेंट होते हैं, तो गोरे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, काले लोग जो हैं डार्क लोग जो हैं वो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, तो ये गोरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काले लोगों को सिविलाइज करें, उनको जो है वो इग्नोरेंट से जो है वो इग्नोरेंट में कन्वर्ट करें। सो दिस इज हाउ दिस पीपल जस्टिफाई देयर आइडियोलॉजी, है ना। वो जब इंपेरियलिज्म को बढ़ा रहे हैं, जब एक्सपेंशनिज्म वो कर रहे हैं, तो बेसिकली वो इस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भाई हम जो है वो सिविलाइजेशन मिशन के ऊपर हैं, वो कहते हैं हम जो वाइट मैंस वर्डन है, कि वाइट मैंस का ये वर्डन है कि हम जो बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं उनको सिविलाइज करने की कोशिश करें। सो ये हमने इसका नेचर देख लिया। उसी के साथ साथ नेचर के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि वो आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, तो उन्होंने कहा वाइट मैंस वर्डन सिविलाइजिंग मिशन, कि हम सिविलाइजेशन मिशन के ऊपर हैं। उसी तरीके से वो कल्चरल तरीके से कल्चरल डिफ्रेंसिएशन के अकॉर्डिंगली या फिर कल्चरल सुपीरियरिटी के अकॉर्डिंगली भी एक्सप्लोइट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो सुपीरियर है, हमारी भाषा जो है वो सुपीरियर है, भाषा के हिसाब के भाषा के आधार के ऊपर भी, जिसको हम लैंग्वेज हेजमनी कहते हैं। अब लैंग्वेज हेजमनी का मतलब क्या होता है कि आप लैंग्वेज के आधार के ऊपर एक हेजमनी क्रिएट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल आज के ज़माने में मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो इंग्लिश बोलती हैं। सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोप की भाषा थी ना इंग्लिश, तो यूरोपियन कंट्रीज ने किस तरीके से भाषा के आधार के ऊपर डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया है पूरी दुनिया के ऊपर, लैंग्वेज हेजमनी जिसको हम कहते हैं वो इस्टेब्लिश की है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी इंडिया के सारे लोग चाहते हैं वो इंग्लिश बोले, तो एक तरह का क्रेज क्रिएट करना है ना, इसी को हम लैंग्वेज डोमिनेशन या लैंग्वेज हेजमनी कहते हैं। अब मैं आपको एक मैप से समझाता हूँ। तो जैसे कि ये वर्ल्ड का मैप आ गया, अब देख सकते हैं ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा जो है वो साउथ अमेरिका है ना। उसी के साथ साथ ये हमारा इक्वेटर आ जाता है यहाँ पे, ये हमारा जो है वो अफ्रीका आ जाता है, राइट। उसी के साथ साथ ये हमारा आ गया सऊदी अरबिया वगैरह, उसी के साथ साथ ये इंडिया आ गया है ना, उसी के साथ साथ ये जो है वो हम देखते हैं इंडोनेशियन आइलैंड्स आ गए, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये न्यूजीलैंड के आइलैंड्स आ गए, इसी के साथ साथ हम देखते हैं ये जापानीज आइलैंड्स आ गए, राइट। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जापानीज आइलैंड्स आ गए, उसी के साथ साथ ये रशिया आ गया, और रशिया के साथ हम देखते हैं कि ये जो है वो यूरोप आ गया, राइट। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज हेजमनी की बात कर रहा हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे भाषा के आधार के ऊपर भी देश जो है वो अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब होता क्या है, जैसे कि ये यूरोप है ना, ये फिनलैंड आ गया है ना, ये फिनलैंड आ गया, नॉर्वे आ गया, स्वीडन आ गया, तो ये रशिया आ गया, ये यूरोप आ गया सारा। अब ये जो कंट्रीज़ है ना, ये जो कंट्रीज़, इनको कहा जाता है मिडल ईस्ट कंट्रीज़। क्या कहा जाता है? मिडल ईस्ट कंट्रीज़, मिडल ईस्ट कंट्रीज़, जैसे कि सऊदी अरबिया आ गया, जहाँ पे जहाँ से तेल मिलता है हमें, इनको मिडल ईस्ट कंट्रीज़ कहा जाता है। अब मुझे आप ये बात बताना कि हम भी इस टर्म को यूज़ करते हैं मिडल ईस्ट के नाम से, अब बताओ इंडियंस के लिए ये कैसे मिडल ईस्ट हुआ? भाई साहब, इंडियंस जहां पे है ना, इंडियंस है जहां पे, ये हमारा है वेस्ट, ये हमारा है ईस्ट, तो हमारे लिए तो ये बेस्ट कंट्रीज हुई ना। अगर इंडियंस यहां पे हैं, इंडियंस का वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, तो इंडियंस के लिए तो ये बेस्ट कंट्रीज हुई ना।
वेस्ट एशियन कंट्रीज हुई है हमारे लिए, ये तो हमारा वेस्ट है ना, वेस्ट एशियन कंट्रीज हुई, ईस्ट हमारी कंट्रीज ये हुई है ना, तो मैं कहूं तो ईस्ट कंट्रीज हमारे लिए ये हुई और वेस्ट कंट्रीज हमारे लिए ये हुई, तो जिनको वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहते हैं, हम भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहते हैं, वो तो हमारे लिए कौन सी कंट्रीज है, वेस्ट एशियन कंट्रीज है। ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज है किसके लिए, तो जो अमेरिकन है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन आ गए, ये आगे कौन यूरोपियंस आ गए, तो इनके लिए ये ईस्ट है राइट, यूरोपियन के लिए ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके लिए ईस्ट है, तो इसलिए वो इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो यूरोपियंस और अमेरिकन्स के लिए जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो मिडिल ईस्ट था, है ना, लेकिन इंडियंस को भी, इंडियंस भी इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। सो दिस इज हाउ लैंग्वेज डोमिनेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है। मतलब कि जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, अगर आपके माइंड में आएगा कि आपको फोटो स्टेट कॉपी निकालनी है, है ना, तो आपके माइंड में डायरेक्टली आजकल लोग बोलते हैं मुझे जीरोक्स कॉपी चाहिए। जीरोक्स कॉपी फोटो स्टेट थोड़ी ना है, मतलब जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स किसका नाम है, एक कंपनी का नाम है। तो किस तरीके से हमारे माइंड में मतलब कि फोटो स्टेट का जिक्र आते ही जीरोक्स का जिक्र आ जाता है, उसी तरीके से ये जो लैंग्वेज हेजमनी है इसके तहत हम भी उनकी भाषा बोलने लगे हैं बिना किसी लॉजिक के। तो बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लैंग्वेज के आधार के ऊपर कैसे डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया जा रहा है इनकी, इनके द्वारा, कौन सी, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। और कई सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊं तो अपना इंटेलेक्चुअल डोमेन को इन लोगों ने डोमिनेट करके रखा हुआ है। आजकल हम सारे के सारे ग्रीक थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, अमेरिका, अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स को पढ़ रहे हैं। आजकल डेमोक्रेसी के थ्रू, है ना, डेमोक्रेसी के थ्रू अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज अपने जो उनकी उनकी आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता है कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पूरी दुनिया के अंदर आज ये कहा जाता है कि लिबरलिज्म ही सबसे बढ़िया है, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस होना चाहिए, इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर फोकस होना चाहिए, कैपिटलिज्म को आजकल जस्टिफाई किया जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है जस्टिफाई, ये यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका जैसी कंट्रीज इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि अगर वो डेमोक्रेसी को जस्टिफाई करेंगे, अगर डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, तो डेमोक्रेसी आपको, आपका जो कैपिटलिज्म है उसको फ्लरिश करती है। डेमोक्रेसी के अंदर ही कैपिटलिज्म फ्लरिश हो सकता है, कम्युनिज्म के अंदर आप कैपिटलिज्म को फ्लरिश नहीं कर सकते। तो इन कंट्रीज को कैपिटलिस्ट कंट्रीज बनना है, इन कंट्रीज को पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ करना है इनको, इनको पैसा इकट्ठा करना है, कंट्रोल करना है, राइट, डोमिनेट करना है इनको पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरीके से ये डेमोक्रेसी के थ्रू कैपिटलिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर वो क्या बोलते, इस दंगे को बजाया जाता है कि भाई डेमोक्रेसी ही सबसे बढ़िया है, तो सारे देश भी डेमोक्रेसी के पीछे लगे हुए हैं। सो बेसिकली किताबों का इस्तेमाल करके, म्यूजिक का इस्तेमाल करके, उसके बाद न्यूज़पेपर्स का एडिटोरियल इंटेलेक्चुअल डोमेन, कई सारी चीज़ों का, कल्चर का इस्तेमाल करके, भाषा का इस्तेमाल करके, कई सारी खास करके जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूएनओ का इस्तेमाल करके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके, यूएनओ किसकी सुनता है, यूरोपियन कंट्रीज की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसकी सुनेगा, यूरोपियन कंट्रीज की, कंट्रीज की, लोन किसको देना है किसको नहीं देना है किसकी सुनेगा, यूरोपियन कंट्रीज की। तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज अपने, अपनी हेजमनी किस तरीके से क्रिएट करती हैं, डोमिनेशन किस तरीके से क्रिएट करती हैं, वो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। तो ये एक मैंने बाहर से कंसेप्ट आपको समझाया है जो कि आपको समझना चाहिए। तो आइए अब हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंपेरियलिज्म डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंपेरियलिज्म का मतलब ये हुआ कि क्या वो अलग अलग तरीके हैं जिससे कि एक देश इंपेरियलिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करता है या फिर दूसरे देश को कंट्रोल करता है। इंपेरियलिज्म के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तो इंपेरियलिज्म के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब वही हो गया कि क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे एक देश दूसरे देश को कंट्रोल करेगा। या तो सबसे पहले इसके अंदर आता है मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके, डायरेक्ट इन्वेजन करके या फिर डायरेक्ट अटैक करके आप एक देश को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि इंडिया को इन्वेजन, इंडिया की इन्वेजन हुई थी राइट, वो लोग यहां पे ट्रेड करने आए और धीरे धीरे इंडिया को इन्होंने इन्वेड कर दिया, तो आप डायरेक्टली इन्वेजन कर सकते हो, है ना, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर सकते हो, डायरेक्टली अटैक कर सकते हो एक देश का, एक देश के ऊपर और उसको अपने कब्जे में ले सकते हो। तो हमारे पास मिलिट्री फोर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम एक देश को कब्जा सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसके ऊपर इन्वेजन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है इकोनॉमिक डोमिनेंस। इकोनॉमिक डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, आप एक देश की इकोनॉमी को ही कंट्रोल कर लेते हैं। इकोनॉमिक डोमिनेंस का मतलब ये हुआ कि मान लो एक जो है वो सुपर पावर है, एक जो है वो सुपर पावर अगर आप ना भी कहो तो एक कंट्री ऐसी है जो कि पावरफुल कंट्री है। इकोनॉमिक डोमिनेंस का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री को अपने ऊपर डिपेंड बना देती है इकोनॉमी के लिहाज से। मतलब कि फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो पूरा का पूरा अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो गया है, इंडिया को अमेरिका ने अपने ऊपर डिपेंड बना दिया है। इंडिया की जो इसेंशियल गुड्स आइटम्स हैं, जो हमारा रोटी है, कपड़ा है, मकान है, या जो हमारी मतलब इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे हमारे पास पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए हमें, हमारे पास खाने को खाना नहीं है, हमें कौन देता है, तो अमेरिका दे रहा है हमें। तो अमेरिका ने हमें अपने ऊपर डिपेंड कर दिया है पूरे तरीके से। तो डिपेंड कर देती है ये कंट्रीज, मतलब कि कॉलोनीज को अपने ऊपर पूरे तरीके से, या फिर दूसरी कंट्री को एक कंट्री के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड कर देना, इकोनॉमिकली उसको कंट्रोल कर देना। या फिर हम देखते हैं कि
कंट्रोलिंग अ रीजन्स इकोनॉमी थ्रू मोनोपोलीज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो बेसिकली एक देश दूसरी देश की जो इकोनॉमी है उसको पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेता है, या तो आप उसको अपने ऊपर डिपेंड कर दे रहे हो, या वहां पे ट्रेड मोनोपोलीज है, मतलब कि आप ही ट्रेड वहां पे कर सकते हो, ट्रेड की मोनोपोली आपने क्रिएट करके रखी हुई है. उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वहां पे हम आप जो है रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, आपने उस देश को लोन्स दिए हुए हैं, एड्स दिए हुए हैं ताकि उस देश को आपकी बात माननी ही पड़ेगी, या फिर आपकी कई सारी टीएनसीज एमएनसीज वहां पे एस्टैब्लिश हुई हैं. तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि इकोनॉमिक डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर देता है, और वो जो दूसरा देश होता है जिसको कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमिकली, वो पूरा का पूरा तरीके से दूसरे देश के ऊपर जो है वो डिपेंड हो जाता है. उसके बाद हम देखते हैं यहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल आता है. पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर क्या होता है, आप दूसरे देश की सरकार आपको आप दूसरे देश को पॉलिटिकली कंट्रोल कर लेते हैं. पॉलिटिकल कंट्रोल करना, पॉलिटिकली कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि आपने दूसरे देश के अंदर पपेट गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश कर दिया. अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाइना ने मालदीव्स के अंदर जो वहां के मुइजू नए प्रेसिडेंट बने या प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो एक चाइना का पपेट उसको कहा जाता है, या फिर प्रॉक्सी गवर्नमेंट वहां पे चाइना ने एस्टैब्लिश की है, और उसके बाद उन्होंने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब कर दिए. तो बेसिकली पपेट गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश करने का मतलब ये हुआ कि मान लो बड़ी कंट्रीज जो हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो अपनी गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश कर रही हैं दूसरे देश के अंदर. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अमेरिका एक पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर देता है. पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने का मतलब यह हुआ कि वो गवर्नमेंट जो है वो चाइना की ही बात करेगी, चाइना के लिए काम करेगी, जैसे कि इन्फ्लुएंसिंग लोकल लीडर्स टू सर्व इंपीरियल पावर्स इंटरेस्ट, या फिर आप दूसरे देश के जो लोकल लीडर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं ताकि वो आपके इंटरेस्ट की बात करें. तो बेसिकली सिंपल कहने का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका ने इंडिया के अंदर पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी, और जो इंडिया के अब रूलर्स होंगे वो अमेरिका के लिए काम करेंगे, अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, या फिर अमेरिका को फायदा पहुंचाएंगे. उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है कल्चरल डोमिनेशन. कल्चरल डोमिनेशन का मतलब यही हुआ कि कल्चर के थ्रू आप दूसरे देश को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं. कल्चर के थ्रू दूसरे देश को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि आप दूसरे देश के कल्चर को पूरे तरीके से कंट्रोल कर चुके हैं, उसके कल्चर को तो खत्म कर चुके हैं, अपना कल्चर वहां पे आप प्रमोट कर रहे हैं. तो कल्चरली वो देश जो है वो डोमिनेट हो गया है, लैंग्वेज के हिसाब से, खाने के हिसाब से, ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से, पूरे तरीके से, मतलब कि उस देश को आपने जो है डोमिनेट कर दिया है. आपको आज देखने को भी मिलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर भी आज मॉडर्नाइजेशन चल रही है, वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो किया जा रहा है, वेस्टर्न कुजीन्स को लोग खा रहे हैं, खाना वैसा खा रहे हैं, फोक और चमचे का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो बेसिकली इस तरीके से कल्चरली डोमिनेट किया जाता है. उसके बाद हम देखते हैं लीगल सिस्टम. लीगल सिस्टम के साथ के थ्रू कैसे डोमिनेट किया जाता है, तो जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है, अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका है जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वो क्या करती हैं, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैं, जो ग्लोबल लीगल सिस्टम है उसको इस्तेमाल करके बाकी देशों को कंट्रोल करते हैं. जैसे कि अमेरिका और यूरोप की सबसे ज्यादा चलती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहां पे ज्यादा किसकी चलती है, अमेरिका की चलती है, यूरोपियन कंट्रीज की चलती है. किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, कौन तय करेगा, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज तय करेंगी. तो बेसिकली उसका इस्तेमाल करके लीगल क्या बोलते हैं इसका पैसे का इस्तेमाल करके क्या बोलते हैं एड का इस्तेमाल करके राइट उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, जो बड़े देश होते हैं वो छोटे देशों को कंट्रोल करते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करके, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करके, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके जो बड़े देश हैं वो छोटे देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. तो वो इसका मतलब हो गया लीगल सिस्टम का. तो इस तरीके से हम इंपेरियलिज्म को यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट समझ लेते हैं, उसका नेचर समझ लेते हैं, उसी के साथ उसका मीनिंग भी समझ लेते हैं. अब इसके आगे हम नियो इंपेरियलिज्म की बात करेंगे. तो आइए अब सेकंड एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सेकंड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसको हम नियो इंपेरियलिज्म कहते हैं. पहले हमने इंपेरियलिज्म को स्टडी किया. इंपेरियलिज्म के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल भी होता है, डायरेक्टली आप एक देश को कंट्रोल भी कर लेते हैं, वहां पे अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर लेते हैं और वहां पे उस देश को अपने हिसाब से चलाते हैं. जैसे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करके खुद रूल किया यहाँ पे आके. लेकिन नियो इंपेरियलिज्म जो है ना, ये इंपेरियलिज्म से थोड़ा सा अलग है. इंपेरियलिज्म के अंदर डायरेक्टली कंट्रोल हो सकता है, डायरेक्टली आप एक टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट कर सकते हो, कब्जा कर सकते हो, लेकिन नियो इंपेरियलिज्म में वैसा नहीं होता है. अब क्या है नियो इंपेरियलिज्म का मीनिंग, आइए समझते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आता है इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अदर नेशंस, नो डायरेक्ट टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, नो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. तो बेसिकली होता क्या है, नियो इंपेरियलिज्म के अंदर इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, इनडायरेक्ट तरीके से आप बाकी नेशंस को कंट्रोल करते हैं. जैसे हम देखते हैं ना कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड फिनोमेना था ना, वो नियो इंपेरियलिज्म का फिनोमेना है. आज का फिनोमेना, आज की दुनिया जो है वो नियो इंपेरियलिज्म के ऊपर चल रही है, या फिर आजकल नियो इंपेरियलिज्म चल रहा है. जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई तो उसके बाद कई सारी कॉलोनीज जो थी, जिनको ब्रिटेन ने जो है वो अपना कॉलोनी बनाया हुआ था, अपने कंट्रोल में लिया था, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को रिस्टोर किया, वो आजाद हो गई. लेकिन
अब क्या होने लगा, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद डायरेक्टली कंट्रीज दूसरी कंट्री को कंट्रोल नहीं करने लगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये कहा गया था सारे देशों के द्वारा कि अब जो है वो तुम किसी दूसरे देश को डायरेक्टली उसकी सोवरेनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सोवरेनिटी के अंदर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकते हो। तो बेसिकली ये कहा जाने लगा कि डायरेक्टली आप किसी देश को कंट्रोल नहीं कर सकते हो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ये एक ट्रेंड उभर करके आया। लेकिन जो अमीर देश थे उनको तो हमेशा से कंट्रोल करना ही है, तो उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया, एक नया तरीका ढूंढ लिया। क्या तरीका था वो? इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करना है, इनडायरेक्टली कंट्रोल करना है। जैसे कि आप डायरेक्टली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं करोगे, किसी देश को कब्जा नहीं करोगे डायरेक्ट तरीके से आर्मी के थ्रू अटैक करके, लेकिन क्या होता है कॉलोनियल गवर्नमेंट्स भी आप एस्टैब्लिश नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे देश को वहां पे कब्जा करके अपनी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर रहे हो, बल्कि हो क्या रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है। या तो आप इकोनॉमिकली एक देश को कंट्रोल कर रहे हैं, या उसको पॉलिटिकली आप उस देश को कंट्रोल कर रहे हैं। इकोनॉमिकली कैसे कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया। इकोनॉमिकली मतलब आपको उसको, आप उसको डिपेंडेंसी बना रहे हो, अपने ऊपर निर्भर बना रहे हो। जो डोमिनेंट पावर्स हैं, जो अमीर देश हैं, वो क्या करते हैं गरीब देशों को अपने ऊपर निर्भर बना देते हैं इकोनॉमिकली। कैसे बनाते हैं आगे बताऊंगा भी मैं, फिर से पहले भी बताया है। और उसी के साथ पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे, कि पॉलिटिकली आप उस देश को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पे अपनी प्रॉक्सी गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वहां पे पपेट गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो कि आपके इंटरेस्ट की बात करेंगी, जो कि अमीर देशों के इंटरेस्ट की बात करेंगी, जो कि मैंने आपको समझाया भी है, आगे भी मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने बताया ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड फिनोमेना है। 1950s के बाद ये ट्रेंड खत्म हो गया कि आप एक देश को डायरेक्टली कंट्रोल करोगे मिलिट्री के थ्रू, या डायरेक्ट अटैक करके उसको कंट्रोल कर दोगे, वो ट्रेंड खत्म हो गया। एक नया ट्रेंड उभर करके आया कि इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करना है। और जो बड़ी बड़ी अमीर देश थे, जो डोमिनेंट पावर्स थी, जो डोमिनेंट देश थे, जो बड़े बड़े सुपर पावर्स थी, जो पावरफुल देश थे, वो क्या करने लगे, वो एक नए तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से जो है बाकी देशों को कंट्रोल करने लगे। अब मेरी जुबान भी हकला रही है, 3:30 बज गए हैं। तो आइए नियो इंपीरियलिज्म का हम नेचर देखते हैं, क्या नेचर है नियो इंपीरियलिज्म का। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक सबल और इनडायरेक्ट मेथड है। सबल और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये हुआ, वही मैंने आपको समझाया, इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल कर रही है, कोई टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं हो रहा है डायरेक्टली किसी की जमीन को, किसी की टेरिटरी को कब्जाया नहीं जा रहा है उसके ऊपर, उसको कब्जा नहीं किया जा रहा है, बल्कि कल्चरल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। या तो आप किसी देश को कल्चरली कंट्रोल कर लो, उसका कल्चरली डोमिनेट करो वहां पे जाके, है ना, या फिर आप इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकली उसको कंट्रोल कर दो, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद इस नेचर के अंदर आता है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट किया जाता है। फॉर्मर कॉलोनीज एंड वीकर नेशंस रिलाई ओनली ऑन वेल्थियर ऑब्लिक पावरफुल नेशंस। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिकली आप दूसरे देश को, गरीब देश को, कॉलोनी जो थी पहले उसको आप अपने ऊपर डिपेंड कर दो। जो कॉलोनीज थी, जो गरीब देश थे, जो अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन और एशिया की कंट्रीज थी, जो गरीब कंट्रीज थी, तो उनको अमीर कंट्रीज ने अपने ऊपर डिपेंड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हमें तेल दिया, तेल बेच रहे हैं यहाँ पे वो, जो कि इसेंशियल गुड है। मैं इंडिया की एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमें रशिया से या अमेरिका से हम तेल एक्सपोर्ट करते हैं, हम क्रूड ऑयल यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारी एक इसेंशियल गुड है भाई, सब तेल तो चाहिए ना आपको, डीजल पेट्रोल चाहिए, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेंगी, पूरी देश की इकोनॉमी उससे मतलब ठप हो जाएगी अगर हमारे पास पेट्रोल कोई बाहर का देश हमें नहीं देगा। तो बेसिकली इसेंशियल गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या हो अगर बाहर का देश आपको पेट्रोल देना या डीजल देना बंद ही कर दे, उससे तो आपकी सारी की सारी गाड़ियां, आपका सिस्टम ही बंद हो जाएगा सारा। और उसी के साथ साथ अब अगर वो देश चाहे तो अपनी मन मर्जी से दाम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको तो आदत लगी हुई है ना, आपको तो चाहिए वो इसेंशियल गुड है, आपको तो पेट्रोल डीजल चाहिए जितना मर्जी महंगा हो जाए, है ना, गाड़ियां तो चलानी है ना भाई। तो इसके लिए जो पेरेंट कंट्री है, जो आपको तेल दे रही है, वो जितने मर्जी उसके दाम बढ़ा दे, आपको तो खरीदना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको डिपेंड बना दिया है, आपको लत लगा दी है ना। कई सारी चीजें ऐसी हैं, आज रोलेक्स की घड़ी पहनने का ट्रेंड चल रहा है, लोगों को लत लगी हुई है, आईफोन का लोगों को हैबिट लगा हुआ है, है ना, वेस्टर्न कपड़े पहनने हैं, बाहर का खाना खाना है, तो बाहर की चीजों की हमें जो है वो आदत लग गई है, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो मुझे सिगरेट पीने की आदत लग गई है, फॉर एग्जांपल, है ना। तो अब मैं सिगरेट खुद तो नहीं बनाता हूं ना, मुझे सिगरेट लेने के लिए बाहर शॉप पे ही जाना पड़ेगा। अब मेरे को अगर सिगरेट की इतनी आदत लग गई है, तो सिगरेट अगर 20-30 रुपए की भी हो जाएगी, 40 की भी हो जाएगी, 100 रुपए की भी हो जाएगी, तो मैं तो पीऊंगा भाई साहब, एक आदत लग गई, एक लत लग गई है ना, नशा लग गया है एक। तो इस तरीके से ही बाकी जो अमीर देश है वो आपको डिपेंड कर देते हैं अपने ऊपर, और उसके बाद आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, इकोनॉमिकली आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिकली आपको कंट्रोल कर देते हैं। भाई साहब, आपकी इकोनॉमी ही नहीं चलेगी अगर वो देश, मतलब उन देशों ने आपको इतने इस तरीके से कंट्रोल कर दिया है, मतलब सारा का सारा ट्रेड उन देशों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, आपके देश के अंदर सारी की सारी कंपनीज उन्होंने लगाई हुई है, प्रोडक्शन आपके देश के अंदर उनकी हो रही है। तो इस तरीके से इकोनॉमिकली आपको कंट्रोल किया जाता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनाया जाता है, ये इसका नेचर है। और ग्लोबल कैपिटलिज्म,
तो हम देखते हैं कि न्यू इंपेरियलिज्म के नेचर के अंदर हमें ग्लोबल कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। ग्लोबल कैपिटलिज्म को कैसे, इट इज ड्रिवन बाय एमएनसीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एड्स, लोन्स एटसेट्रा। तो ग्लोबल कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहां हो रही है? ग्लोबल कैपिटलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि एमएनसीज की मदद से, मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है उसकी मदद से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद से, एड्स की मदद से, लोन्स की मदद से क्या करते हैं, अमीर देश जो है वो गरीब देशों को लूट लेते हैं, सारा का सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एमएनसीज के थ्रू कैसे। एमएनसीज होती क्या है? वो कंपनीज जो दो से ज्यादा देशों के अंदर ऑपरेट होती है। तो अमेरिका, यूरोप, जो बड़े बड़े देश हैं, जो वेल्दियर कंट्रीज हैं, ज्यादातर एमएनसीज तो उन्हीं की है। आपने कभी सुना है कि किसी गरीब देश की, क्यूबा की, किसी ब्राजील की, या फिर लैटिन अमेरिका के देश की, या फिर अफ्रीका के देश की कोई एमएनसी आपके देश में एस्टैब्लिश है? आपने देखा कभी ऐसा? नहीं देखा। आपके देश में एप्पल है, कई सारी कंपनीज हैं जो अमेरिका की हैं, मेजर अमेरिका की हैं, या फिर यूरोप की हैं, चाइना की हैं, रशिया की हैं। तो बेसिकली जो एमएनसीज होती हैं ये अमीर देशों की होती हैं। अब एमएनसीज के थ्रू क्या करते हैं, वो आपके देश के अंदर एमएनसी को एस्टैब्लिश कर देते हैं। आपके देश के अंदर एमएनसी को एस्टैब्लिश किया उन्होंने, वहां के सारे रिसोर्सेज को वो लूट रहे हैं, और उसी के साथ साथ एमएनसीज के थ्रू वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, आपको वहां पे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करके एमएनसीज के थ्रू वो अपने देश में ले रहे हैं। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लोन किसको देना है और किस शर्त के ऊपर देना है ये भी अमीर देश तय करेंगे। हालांकि हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, लेकिन वहां पे चलती किसकी है, अमेरिका की चलेगी या यूरोपियन कंट्रीज की चलेगी? तो किस कंडीशन के ऊपर लोन देना है ये वही देश तय करेंगे। तो वो कंडीशंस कैसे रखेंगे? अगर एक गरीब देश को तो लोन चाहिए ना भाई, अब पाकिस्तान जैसा देश जो कि भूख के मारे मर रहा है उसको तो लोन चाहिए। अब उसको लोन लेने के लिए आईएमएफ उसके सामने कुछ कंडीशंस रख देगा, तो जो कि कंडीशंस अमीर देशों ने ही रखी होंगी। तो कंडीशंस क्या होंगी कि भाई पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अमेरिका की कंपनी को या फिर फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, उसी के साथ साथ यहाँ पे एमएनसीज को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ट्रेड के ऊपर अगर कोई टैक्सेस लगाए हैं इनको हटाना पड़ेगा। तो सारा का सारा देखो कैसे फिनोमेना, लोन दिया पाकिस्तान को उन्होंने, कंडीशंस क्या रख दी, अपनी इकोनॉमी ओपन करो, यहाँ पे एमएनसीज को एस्टैब्लिश होने दो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने दो। जैसे ही एमएनसीज एस्टैब्लिश होंगी पाकिस्तान के अंदर, उसने पहले से लोन देना है, उसके साथ ट्रेड ओपन हो गया, तो इस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने एमएनसीज के थ्रू भी लूटना स्टार्ट कर दिया और डिपेंड कर दिया अपने ऊपर। इतना डिपेंड करने लगे वो, इतना एक्सप्लॉइट करने लगे कि एक जो गरीब देश था वो इतना डिपेंड हो गया दूसरे देश के ऊपर कि उसको इकोनॉमिकली इस हिसाब से उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो लोन्स की मदद से, एड्स की मदद से क्या होता है और इसके साथ होता क्या है, इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंड कर दिया। ग्लोबल कैपिटलिज्म में मर्ज हो रहा है। ग्लोबल कैपिटलिज्म में मर्ज कैसे हो रहा है, अब दो चार देश ही पूरी दुनिया को चला रहे हैं, दो चार देश इतने अमीर हैं, किसी की 20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ देश, गिने चुने देश इतने पावरफुल हो जाते हैं, इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं कि ग्लोबल कैपिटलिज्म मर्ज होता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्रिएट होती हैं, कोई देश जिनके पास खाने को खाना भी नहीं है और कोई देश ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली इतने रिच हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी है उनकी, उनके पास इतना पैसा है, इतने अमीर हैं वो कि हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, क्या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं नियो इंपीरियलिज्म के। तो सबसे पहले इकोनॉमिक डिपेंडेंसी मैंने आपको काफी बार समझा दिया, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्या होती है मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड की मदद से, लोन की मदद से, एड की मदद से आप दूसरे देश को अपने ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड कर देते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ये इसका एक इंस्ट्रूमेंट है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं? मैंने बताया आपको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वो होती हैं, वो कंपनीज जो दो से ज्यादा देशों के अंदर ऑपरेट करती हैं। मैक्सिमम किसकी होती हैं? वो अमीर देशों की होती हैं। तो वो क्या करती हैं? आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, आपकी लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको कम पैसे देते हैं, उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है क्योंकि सस्ती लेबर मिल जाती है गरीब देशों में। उसी के साथ साथ आपके मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो मार्केट्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं आपके ऊपर डिपेंड कर दिया। मार्केट्स को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं समझना इस बात को, बाहर से कोई कंपनी आई जो जूते बनाती है और उनके पास हाई टेक मशीनरी है, उनके पास अच्छी सी मशीनरी है, अच्छी मशीन्स हैं, वो जूते बनाते हैं। अब पहले से आपके देश में जूते बन रहे थे, आपके देश में आपका जो जूता बन रहा था ना वो 1000 रुपए का बन रहा था, तो आप वो जूता खरीद रहे थे। बाहर से कोई एमएनसी आई, वो आपके देश में जूते बनाना उसने स्टार्ट कर दिए, अब वही जूता जो है वो आपको 500 रुपए में बेच रही है, राइट, क्योंकि उसके पास हाई टेक क्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसके पास मशीनरी अच्छी है, उसी के साथ साथ आपके देश से उसको रिसोर्सेज सस्ते मिल रहे हैं, लेबर सस्ती मिल रही है, तो वो जूते आपको 500 रुपए में बेच रही है। तो जूते किसके बिकेंगे? जो अमेरिका की कंपनी लगी है आपके देश में उसके बिकेंगे ना, जो आपके देश के जूते थे, जो आपकी कंपनीज थी वो खत्म हो गई, आपके मार्केट्स खत्म हो गई। तो जो आपके देश की कंपनीज थी, जो आपके देश के मार्केट्स थे, वहां पे जिन लोगों को रोजगार मिल रहा था उनका रोजगार खत्म हो गया, जो प्रॉफिट मिल रहा था वो प्रॉफिट खत्म हो गया, आपके देश की कंपनीज बंद हो गई, उनकी कंपनीज चल रही हैं, सारा का सारा प्रॉफिट वो बाहर लेके जा रही हैं,
तो मार्केट्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद और बेनिफिट किसको होता है, पेरेंट कंट्री को होता है। पेरेंट कंट्री कौन होगी, जिसकी एमएनसी वो है, तो एमएनसी मैक्सिमम किसकी होती है, अमीर देशों की। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का इस्तेमाल करके लोन्स दिए जाते हैं कंडीशंस के ऊपर, मैंने आपको समझा दिया है। अमीर देशों का दबदबा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वर्ल्ड बैंक हो आईएमएफ हो, वहां पे लोन किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्या कंडीशंस होंगी, वो सारी की सारी अमीर देश ही डिसाइड करते हैं। कहने को ये कहा जाता है कि सारे देश आईएमएफ के मेंबर हैं, सब जो है वो सारे देशों की सहमति से होगा, राइट है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं होता है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज जो सबसे ज्यादा फंडिंग देती हैं आईएमएफ को, उन्हीं की वहां पे चलती है, तो वो अपने हिसाब से ना लोन देते हैं गरीब कंट्रीज को, अपने हिसाब से एड देते हैं गरीब कंट्रीज को, और उससे क्या होता है वो अपने ऊपर डिपेंड कर देते हैं ऐसी कंडीशंस रख के कि लोन तब मिलेगा जब हमारी कंपनीज को अलाउ करोगे, लोन तब मिलेगा जब ट्रेड को अलाउ करोगे, यहां पे ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, और एमएनसी को वहां पे अलाउ किया, ट्रेड को अलाउ किया, तो फिर से उन्होंने उनको लूट लिया, तो ऐसे यहां पे हो रहा है। उसके बाद कल्चरल इंपीरियलिज्म। अब कल्चरल इंपीरियलिज्म क्या होता है, मतलब कि कल्चर को आप अपना कल्चर जो है फैला रहे हो दूसरे देश के अंदर, मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू क्या हो रहा है, एक अमीर देश जो है, एक डोमिनेंट कंट्री जो है, वो जो गरीब देश है उनके लोगों को, मतलब उनके उनका कल्चर एक्सप्लॉइट करके अपना कल्चर वहां पे जो है स्प्रेड किया जा रहा है, अपनी भाषा वहां पे स्प्रेड की जा रही है। एग्जाम्पल खूब हुआ, आपको पता है हिंदुस्तान जहां पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती थी, धोती और कुर्ता पहना जाता था, आज वहां पे लोग जो है वो, जहां पे लुंगी पहनी जाती थी, आज वहां पे लोग जो है वो वेस्टर्न ड्रेसेस में घूम रही है, कोई जो है वो स्कर्ट पहन रहा है, कोई शॉर्ट्स पहन रहा है, कोई जीन्स पहन रहा है, कोई क्या बोलते कोट्स पहन रहा है। ये कहां से आया, ये सब ये आया बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनका उनका जो कल्चर था, उनका जो जो क्लॉथिंग हैबिट्स थी वो हमने कॉपी कर ली, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे ठंड ज्यादा होती है, तो उनको वैसे कपड़े चाहिए जिससे मतलब उनको ठंड ना लगे, जैसे कोट हो गया, उसी के साथ जीन्स हो गया उनके पास, तो इससे ठंड कम लगती थी। अब इंडिया एक गर्म कंट्री है, इंडिया में जो है वो क्लाइमेट वैसा है, यहाँ पे वेदर जो है वो सॉरी क्लाइमेट जो है वो हॉट है, तो यहाँ पे हमेशा लोगों को वेंटिलेशन चाहिए होती थी। वेंटिलेशन क्यों चाहिए होती, तो वो लुंगी पहनते थे, धोती पहनते थे, ताकि हवा शवा आसपास हो जाए और प्रॉपर वेंटिलेशन मिले। लेकिन आज देख रहे हैं आप, आज कौन पहन रहा है लुंगी, यहाँ पे कोई नहीं पहन रहा। अभी आप अगर सऊदी अरबिया की बात करेंगे, तो सऊदी अरबिया में चोला क्यों पहना होता है उन लोगों ने, क्योंकि वहां पे डिजर्ट है, वहां पे लोगों को गर्मी होती है, प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए होती है उनको, है ना। तो बेसिकली एक देश की जो वेयरिंग हैबिट्स हैं, जो क्लॉथिंग हैबिट्स हैं, उस देश का जो टोपोग्राफी है, जो उसका वेदर है, जो उसका क्लाइमेट है, उसके ऊपर डिपेंड करती थी, है ना। लेकिन हमने क्या किया, उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। आज सारे लोग फॉर्क और स्पून से खाना खाते हैं ना, मतलब कि आपको केला भी खाना है तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप सर्जरी कर रहे हो किसी की, एक हाथ में आपको आपने फोक पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में आपने स्पून पकड़ा हुआ है, एक हाथ में नाइफ पकड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है कि आप सर्जरी कर रहे हो किसी की। तो ये हैबिट्स किसकी है, ये वेस्टर्न हैबिट्स हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, पेड़ का एक पत्ता होता था, उसके ऊपर हाथ से खाना खाया जाता था, तो आपने देख लिया। इंडिया में चाइनीज आज मोमोज खाने हैं सबको, बर्गर खाने हैं सबको, इंडिया में इटालियन कुजीन लोगों को खानी है। रेस्टोरेंट के अंदर आप देखते हैं, आज रेस्टोरेंट के अंदर कॉन्टिनेंटल का अलग एक वो होगा, एक उनका सेक्शन होगा, उसके बाद इटालियन फूड का अलग सेक्शन होगा, चाइनीज फूड का अलग सेक्शन होगा। तो देख लो किस तरीके से कल्चरली उन्होंने हमें डोमिनेट करके रखा हुआ है। आज हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, छोटे से छोटा बच्चा इंग्लिश बोलना चाहता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने उस भाषा को इतना सुपीरियर बना दिया है, लोगों के दिमाग में भर दी है वो भाषा। आज मतलब माँ बाप अपने बच्चों को शुरू से ही इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से उन्होंने हमें डोमिनेट करके रखा हुआ है, कल्चर से कल्चरली डोमिनेट कर दिया। कैसे करते हैं वो, तो उन्होंने कई सारे तरीके चलाए, जैसे कि वो ब्रॉडकास्टिंग से, रेडियो से, टीवी से, मीडिया से, इंटरनेट से, और उससे पहले अंग्रेज यहाँ पे आए तो अपना कल्चर यहाँ पे लेके आए। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड सॉफ्ट पावर। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, कैसे, डिप्लोमेसी के थ्रू, अलायंसेस के थ्रू, आइडियोलॉजिकल पर्सुएशन के थ्रू, प्रमोटिंग पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक मॉडल्स अलाइनमेंट विद डोमिनेंट नेशंस इंटरेस्ट। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अमीर देश जो डोमिनेंट कंट्रीज हैं वो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, राइट, उसी के साथ साथ अलायंसेस बना के, आइडियोलॉजिकल पर्सुएशन से क्या करती हैं, जो गरीब देश हैं वहां पे अपने इकोनॉमिक मॉडल को प्रमोट करने की कोशिश करती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रमोट करने की कोशिश करती हैं जो कि उनके इंटरेस्ट के साथ जुड़ा होता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि जो अमीर देश हैं वो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, डिप्लोमेसी क्या होती है, मतलब नेगोशिएशन करना या फिर आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, तो डिप्लोमेसी से अलायंसेस बना के वो अपने सिस्टम को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहा जाता है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सभी देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूट्रल है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। क्या प्रमोट किया जाता है वहां पे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है। डेमोक्रेसी
के चैंपियन कौन है? अमेरिका। अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा चैंपियन माना जाता है, तो वहां पे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा है। आपने कभी देखा कम्युनिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? नहीं, जो वेस्टर्न कंट्रीज की आइडियोलॉजी है ना, जो उनका इकोनॉमिक मॉडल है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका का फेडरलिज्म प्रमोट करना है, अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम प्रमोट करना है, अमेरिका में चुनाव कैसे हो रही हैं बाकी देशों को वो कॉपी करना है, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जा रहा है बाकी देशों को वो कॉपी करना है, अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म चल रहा है बाकी देशों को वो कॉपी करना है। तो अमेरिका के जो अपने बेनिफिट्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपनी आइडियोलॉजी है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसको वो प्रमोट कर रही है अलग अलग तरीकों से। अमेरिका डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, डेमोक्रेसी से कैपिटलिज्म आ रहा है, और कैपिटलिज्म का फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है, राइट? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है, और डेमोक्रेसी आपको क्या देती है? डेमोक्रेसी आपको वेल्थ को कंसंट्रेट करने की एक प्लेटफॉर्म देती है। डेमोक्रेसी के अंदर कैपिटलिज्म फूलता है, फलता है, है ना? डेमोक्रेसी अगर एक देश के अंदर होगी तो वहां पे इंडिविजुअल के पास राइट होंगे, इंडिविजुअल लिबर्टी होगी, आपके पास इकोनॉमिक राइट्स होंगे। तो बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर एक बंदा जितना प्रॉफिट चाहे उतना अक्यूमुलेट कर सकता है, एक रुपए से वो 100 रुपए बना सकता है, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से अमेरिका किसको? कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है डेमोक्रेसी के थ्रू। अब अगर काउंटर आइडियोलॉजी हो, अगर कोई एक ऐसी आइडियोलॉजी जैसे कम्युनिज्म है, वहां पर कह रहा है कि कहा जा रहा है कि भाई सारा कुछ सरकार कंट्रोल करेगी और हर किसी के पास इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, पैसे सबके पास बराबर होंगे, सबके पास बराबर होंगे, अमीर गरीब के बीच डिफरेंस खत्म हो जाएगा, तो वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजी है अमेरिका के लिए। इसलिए अमेरिका कभी भी कम्युनिज्म का सपोर्ट नहीं करेगी, राइट? तो वो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, वो उन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जिससे उनका फायदा है, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज पूरी दुनिया डेमोक्रेसी का डंका बजा रही है, आज पूरी दुनिया कैपिटलिज्म का डंका बजा रही है, आज पूरी दुनिया अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करना चाहती है, आज पूरी दुनिया अमेरिका के फेडरल सिस्टम को फॉलो करना चाहती है, आज पूरी दुनिया अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या वर्डिक्ट्स आ रही है उसको फॉलो करना चाहती है, आज पूरी दुनिया अमेरिका के अंदर कौन सी मास मूवमेंट्स हो रही है उसको फॉलो करना चाहती है, आज पूरी दुनिया अमेरिका के इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करना चाहती है। अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका अलग अलग इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से फॉलो करवा रहा है, अमेरिका डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, अलायंसेस बना के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करके, अपनी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करके पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और गरीब देशों को अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, गरीब देशों को कंट्रोल कर रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं नियो इंपेरियलिज्म के अंदर। नियो इंपेरियलिज्म एक ऐसा तरीका है जिसमें आप एक देश को कंट्रोल करते हैं मगर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, जिसमें आप एक देश को अपने ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड कर देते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। यहाँ पे इंसान के ऊपर बार तो किया जाता है लेकिन छुप के किया जाता है, राइट? मतलब इंडायरेक्ट तरीके से किया जाता है, पीठ पीछे से किया जाता है। तो इस तरीके से हम इंपेरियलिज्म और नियो इंपेरियलिज्म को समझ लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फिनोमिना, ये प्रोसेस, ये सिस्टम, ये टर्मिनोलॉजी समझ आई होंगी। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।